जयपुर के मानसरोवर में आज कैंसर अस्पताल में कैंसर पीड़ित बच्चों और मरीजों को क्रिसमस त्यौहार के उपलक्ष्य में उपहार दिए गए और उनको इस बीमारी से लड़ने के लिए और इस पर विजय पाने के लिए किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, इसको लेकर जागरूकता संदेश दिया गया। इस अवसर पर सभी बच्चे और बड़े काफी उत्साहित नजर आए। ये प्रोग्राम बेसिकली हमने बच्चों को सेंट्रिक रखा है जो कैंसर का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे करा रहे हैं या अन्य जगह पे करा रहे हैं, ताकि हम उनको कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान मोटिवेट कर सकें, उनका जो टॉर्चर है, फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर है, उसको हम कम कर सकें और उनको हम क्रिसमस के ओकेजन पे गिफ्ट दे के उनको खुश कर सकें, ताकि उनकी जो मेंटल स्टेटस है वो बनी रहे। इस प्रकार के प्रोग्राम की तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इससे एक ऐसी सकारात्मकता जनरेट होती है, ऐसी ऊर्जा पैदा होती है कि जो रोगी होते हैं, रोगी के पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनमें भी एक आशा का संचार होता है, एक रंग बिरंगी चीज़ें दिखती हैं, हंसते खेलता वातावरण दिखता है और बच्चे इन्वॉल्व होते हुए जब पेरेंट्स देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, कैंसर के रीजंस बहुत सारे होते होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न कैंसर का नकारात्मकता या स्ट्रेस या नेगेटिविटी जो हमारे अंदर जो घर कर जाती है, जिसके कारण हम इम्यूनिटी हमारी रिड्यूस होती है और उसको, या मतलब कहना चाहिए जो रोग से फाइट करने की क्षमता को वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो ऐसे अगर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हों, योग है, मेडिटेशन है, बच्चों के खेल हैं, जितना लाफ्टर है, हंसने का है, ऐसे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, संगीत है, डांस है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस ढंग के ऑर्गेनाइजेशन, इस ढंग के आयोजनों के माध्यम से मिलें, उतना अच्छा और उतना ही लाभ होगा।